अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वशीकरण मंत्र। दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, इंसान तभी हार मानता है तब उसके अंदर वो ठान लेता है कि मुझे इस काम के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर इंसान ये ठान ले कि मुझे इस काम के अंदर हर हालत में कामयाबी हासिल करनी है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मेरी प्यारी माता बहनों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने बीच में से तीसरे इंसान को हटा सकते हैं। जैसे आपका कोई प्रेमी है और आपका प्रेमी दूसरी लड़की के पास चला गया है, आपको आपसे बात नहीं करता, आपसे ताल्लुकात नहीं रखता, अब यह नंबर या कॉल आपको नहीं करता, आपके नंबर या मैसेज कॉल ब्लॉक कर रखे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेमी को उस दूसरी अफेयर से लड़की से अलग कर सकते हो और वापस अपने करीब कर सकते हो। अब इस स्थिति में चाहे वो आपका प्रेमी हो या आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपका पति हो या फिर पत्नी हो, कोई भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी, जिसको आप दो लोगों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हो और उनमें से किसी को अपने करीब करना चाहते हो, तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बहुत ही खास उपाय है और सबसे खास बात इस उपाय की है कि इस उपाय में आपको कहीं भी एक रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे फ्री में आप इस काम को आसानी के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको करना कैसे है। आपको इसमें दो पेपर लेने हैं, एक माचिस लेनी है, एक काला पेन या स्केच आपको काले कलर की ही लेनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिसको आपको अलग करना है, जैसे जो इंसान दो लोगों को अलग करता है तो उसका मकसद कुछ ना कुछ होता है कि जब मेरा पार्टनर किसी के साथ चला गया है तो मैं इन दोनों को अलग कर दूं और मेरा पार्टनर मेरे वापस करीब आ जाए, दो लोगों को अलग करूं और इनमें से मेरा जो पार्टनर है वो मेरे करीब आ जाए। अब इस स्थिति में प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी कोई भी हो, वो यही चाहेगा कि जिससे मैं प्यार करता था वो मेरे वापस करीब आ जाए। तो ध्यान से देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले जिसको अलग करना, जो आपके बीच में आया उसका नाम लिखना है। जैसे उसका नाम है, कोई भी लड़की का नाम है साक्षी नाम उसका है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का साइन लगा के यहाँ माताजी का नाम लिखना है। यहाँ मैंने माँ लिखा है, आपको पूरा माँ का नाम लिखना है। बहुत सी शिकायत सबसे ज़्यादा यही होती है कि मुझे माँ का नाम नहीं पता, तो आप खाली माँ लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से यहाँ एक पॉइंट पॉइंट इस तरीके से रखना है और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हर पॉइंट को कोने से मिला देना है इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से आपको बना देना है। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि इसमें आपको एक पॉइंट इस तरीके से और एक इस तरीके से भी बना देना है और एक यहाँ और एक यहाँ इस तरीके से आपको। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये 8 बॉक्स बन गए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स बन गए, जिसमें आपको यहाँ पर 2 3 4 5 6 और 7 8 इस तरीके से आपको एक नक्श तैयार कर लेना है। यहाँ जिसको अलग करना, जैसे साक्षी आपके प्यार के बीच में आ रही थी, जिसने आपके पार्टनर रमेश को आपसे अलग कर दिया था, तो यहाँ रमेश प्लस यहाँ रमेश की माँ का नाम इस तरीके से। अब वो आप क्या चाहते हो कि जो आपका पार्टनर रमेश था वो साक्षी से तो अलग हो जाए और आपके करीब आ जाए, तो यहाँ पर आपको फिर लिखना है रमेश प्लस माँ का नाम। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर एक स्टार बना लेना है, इस तरीके से स्टार बना लेना है इस तरीके से। और स्टार बनाने के बाद अब आपको स्टार के अंदर जिसको करीब करना है, तो स्टार के अंदर आपको ये एक स्वास्तिक का निशान बना लेना है और यहाँ आपको
मैं अक्षर लिखना है, छह बार आपको मैं अक्षर लिखना है, जो मैं बनाते हैं ना खाली मैं, तो वो अक्षर आपको लिख लेना है, और नीचे जो रमेश को अपने करीब करना चाहता है तो उसका नाम है राखी, तो यहाँ राखी लिख लेंगे इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको एक चीज़ करनी है। अब इन पेपर जो आपने ये देख रहे हो पेपर, इन पेपर को आपको जलाकर राख कर देना है, तरीके से तिल्ली निकालनी है माचिस की और जला देना है, इस तरीके से आपको जला देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको पेपर को जला देना है, दोनों पेपर को जला देना है, और जब तक आपको नहीं करना है कुछ तब तक ये पूरा न जल जाए। इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों पेपर जल चुके हैं, बस अब आपको इतना करना है कि इनकी जो राख है इनको चलते हुए पानी में बहा देना है, बस इतना आपको करना है। वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे जिसको आप अलग करना चाहते हो, और जिसको आप चाहते हो कि ये इंसान एक दूसरे के करीब आ जाए वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को करिए और इसमें कामयाबी हासिल करिए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको कहीं भी कुछ समस्या का समाधान लेना है, या आपको कुछ परेशानी आई हो, या आपको करने में कहीं गलती आ रही हो, तो दिए हुए नंबर पर इसकी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो आप। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।